YouTube स्टोरी के बारे में तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, आप तो जानते होंगे, लेकिन YouTube स्टोरी के जरिए से आपको चैनल को कितना आप ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में तो लोग इतना नहीं जानते, ऑडियंस इतना नहीं जानते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, शॉर्ट्स में और लॉन्ग वीडियो में काफ़ी सारे लोग मतलब डूबे रहते हैं। स्टोरी तो इतना अवेलेबल नहीं है, एनेबल नहीं है यूट्यूब पर। 10,000 सब्सक्राइबर जिनके पास है उनके पास स्टोरीज है, या फिर तो उसके लिए आप लोग को फीडबैक देना पड़ता है। फीडबैक देने के बाद आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्टोरी आप लोग डालते हैं तो उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है मैं उनके बारे में आज बताने वाला हूँ। स्टोरी कैसे डालने उसके बारे में नहीं बताऊँगा, उसके लिए आप लोग को बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक मेल आया है, उनमें लिखा है कि यूट्यूब स्टोरी डालने से आप लोग को कितना फ़ायदा होता है, यूट्यूब पर आप लोग को कितना ऑप्शन एनेबल होता है, और आप लोग कितना आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने परसेंट अट्रैक्टिव कर सकते हैं यूट्यूब स्टोरी के ज़रिए से। तो उनके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत मैं नॉलेज देने वाला हूँ। कि मेरे पास एक मेल आया है जिनको पढ़कर मैं आप लोग को सुना देता हूँ। देखिए, मेरे पास 8 नवंबर को ही आया था, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया था। देखिए, इसमें एक हेडलाइन मैं आप लोग को पढ़ा के सुना देता हूँ। यू कैन स्टार्ट अट्रैक्टिव मोर न्यू फैंस राइट नाउ। देखिए आप लोग, इसमें ये हेडलाइन आप लोग पढ़ के भी आप लोग जान सकते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप लोग तीन चीज़ें बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है, इसमें आप लोग को तीन चीज़ इसमें मिल सकता है यूट्यूब स्टोरी के ज़रिए से। पहला तो है अट्रैक्टिव व्यूअर्स विद मोर इफेक्टिव टाइटल्स एंड थंबनेल्स, ये तो मैंने पहले से बता दिया। उसके बाद दूसरा है मेक योर कॉन्टेंट मोर डिस्कवरेबल बाय मास्टरिंग मेटा डाटा, और तीसरा जो है रीच ए वाइडर ऑडियंस बाय एडिंग कैप्शन। ये तीन चीज़ आप लोग को इसमें मिल जाएगा यूट्यूब स्टोरी के ज़रिए से। अगर आपके पास यूट्यूब स्टोरी एनेबल है तो आप इन तीन चीज़ों आप लोग इसमें पा सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे व्यूज़ भी इसमें ला सकते हैं। और आपको चैनल को सर्च करने के लिए आप लोग को इसमें ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा कि यूट्यूब स्टोरी के ज़रिए से आप लोग को दिखा सकते हैं कि मेरा चैनल ये है और इसके बारे में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग अभी एक शॉर्ट्स डालते हैं, उसमें बहुत थोड़ा बता देते हैं उस वीडियो के बारे में, लेकिन उसके नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कोई जाता ही नहीं है, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। स्टोरीज में क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, मानो कि मैंने एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ शॉर्ट वीडियो के जरिए से, मतलब शॉर्ट्स थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, लेकिन उसका लिंक लॉन्ग वीडियो का लिंक मैंने कैसे दूंगा। तो इसमें वीडियो में ही आप लोग इसमें डिस्प्ले में ही आप शो करवा सकते हैं, एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। मेरे पास तो स्टोरीज अवेलेबल नहीं है, एनेबल नहीं है, मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास एक मेल आया था इनके प्रॉफिट के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं ऑडियंस को पहले बताऊँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, और जब भी मैं एनेबल करूँगा उनके वीडियो में मैं बनाऊँगा, उसके बाद आप लोग को दिखाऊँगा, यूट्यूब पर मैं डालूँगा। ये देखिए स्टोरी जब अपलोड करते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोग को इसमें मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो इसमें टिप टू रीच न्यू व्यूअर, इसमें ये जो लिंक है ब्लू वाला, इसमें आप लोग क्लिक करके भी इसका बहुत सारे आर्टिकल है आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इसमें YouTube के ज़रिए से YouTube वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बता दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, आप लोग उसको देख करके पढ़ करके या फिर सुन करके आप लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं यूट्यूब स्टोरीज के बारे में, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बताऊँगा। देखिए, अभी बहुत सारे वीडियोज़ है, 3-4 वीडियो इसमें डाला गया है, उसको पढ़ करके उसको देख करके आप लोग सीख सकते हैं कि स्टोरीज क्या है और उसमें क्या फ़ायदेमंद होता है, बिल्डिंग योर कम्युनिटी। और देखिए, सो मैनी क्रिएटिव ऑप्शंस, इसमें हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर ऑडियंस। तीसरा है फाइंडिंग न्यू व्यूअर्स एंड फैंस, कीप बिल्डिंग योर चैनल। ये चार चीज़ आप लोग को इसमें मिल सकता है यूट्यूब स्टोरी के ज़रिए से। पहला तो आप लोग इसमें देखिए बहुत क्रिएटिव ऑप्शन इसमें एनेबल कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसमें है हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर ऑडियंस, आपको इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऑडियंस को कैसे आप लोग ला सकते हैं। और जो तीसरा है फाइंडिंग न्यू व्यूअर्स एंड फैंस, आप लोग खोज सकते हैं कि न्यू व्यूअर्स को, अगर एक बंदा आपका वीडियो देख रहा है तो जब स्टोरी आ जाएगा उसमें जब वो मतलब ऐसे सर्च करते करते आपका स्टोरी आ गया तो उसमें वो देखेगा कि आपका स्टोरी है, तो स्टोरी में क्या है वो देखेगा, थोड़ा बहुत आपका नॉलेज दिया गया है एक मोबाइल के बारे में, तो उसमें जब क्लिक करेगा ना उसका आपका लॉन्ग वाला वीडियो इसमें ओपन हो जाएगा, तो ज़रूर देख लेगा। तो उसमें आप लोग को दो चीज़ें इसमें फ़ायदा हो गया, एक तो स्टोरी में व्यू आ गया, तीसरा तो इसमें लॉन्ग वीडियो पे आप लोग को व्यू आ गया, इसमें सब्सक्राइबर भी आप लोग को मिल गया। और तीसरा जो है कीप बिल्डिंग योर चैनल, आपको चैनल को आप लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जानेंगे कि इसमें
ये जो स्टोरी डाला हुआ है, ये जो क्रिएटर है, काफ़ी बढ़िया अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं। स्टोरी में आप लोग को बता देना है कि मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, बस वो देखेगा, उसमें क्लिक करेगा, बस मिल जाएगा आपका लॉन्ग वीडियो, वो ज़रूर देखेगा और नए न्यू व्यूअर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये सब फ़ायदेमंद इसमें होता है। लेकिन आप लोग को एनेबल करने के लिए बहुत सारे वीडियो आप लोग को यूट्यूब के ज़रिए से मिल जाएगा, उसके बारे में नहीं बताऊँगा मैं। बस आप लोग को मैं थोड़ा बहुत एडवाइस देना चाहता था कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी देना चाहता था, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा चलो यार, कुछ तो लोग है, कुछ तो क्रिएटर है जिनके पास एनेबल है, उनको अगर ये बता देते तो शायद उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों।